स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान वांट्स टू गो यूएनएससी, व्हाई सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट आर्टिकल 370 रिमूवल। पाकिस्तान मीडिया, तो आप यूएनएससी में जाओ या जहन्नुम में जाओ या कहीं पे भी जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि उसका सबूत है भारत के पास और वो क्लियर है कि भाई जो हमारे यहाँ पे 370 जो कलम लगाई गई थी वो क्यों लगाई, वो टेम्पररी थी और वो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसमें क्लियरली लिखा हुआ इतिहास है, पूरा इतिहास है। तो यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, हाँ उसका पूरा इतिहास है आपको, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे हमारे मीडिया के, और बहुत सारे यूट्यूबर है जो ये वर्ल्ड अफेयर के बारे में जानते हैं, खास करके वर्ल्ड अफेयर चैनल भी है, उस पर जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। आप कहीं पे भी जाओ ये अब होने वाला नहीं है, वो परमानेंट रिमूव हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानियों जो आप एक वेट कर रहे थे ना कि कश्मीर होगा पाकिस्तान का, कुछ नहीं आने वाला आपके हाथ में, आप रोते रहो और देश को बर्बाद करते रहो। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहेंगे हम आपको, अच्छी वीडियो लगे पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों इंसाफ का कत्ल हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की जबान बोलते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती उनका जोग्राफिया बहुत जल्द तब्दील हो जाता है। 1971 में हमने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा था, नतीजतन हमारा जोग्राफिया तब्दील हो गया और अब यही गलती हम एक मरतबा फिर दोहराने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहां कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा। इंडिया क्या उनके साथ ज्यादती कर रहा है। इंडिया के मुसलमानों के हालात तो ये हैं कि इस वक्त आवाज उठानी चाहिए। तो उनका ख्याल था कि अब कश्मीर जो हिंदुस्तान की तरफ है उसमें लोग जो है वो किडनैप होना शुरू हो जाएंगे, लोगों को जो है वो गायब कर दिया जाएगा, वहां पे अब हंगामा शुरू होगा। बीजेपी है या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भारत को हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे, तो मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान तो है ही वो, तो अब उसको हिंदुस्तान बना के छोड़ेंगे क्या, क्या मतलब है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क तोड़ना चाहती हैं, सेपरेटिस्ट हैं, गद्दार हैं, एक कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इख्तदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। कश्मीर की जदोजहद आजादी पर तो फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता भारत की हुकूमत ने बजरिया सुप्रीम कोर्ट यूएन के चार्टर की कौम सतह की करारदादों की संगीन खिलाफवर्जी की है। इसका खामोशी न करें ना, जैसे उसने वो किया था ना उसमें जब इंडिया को सिविल न्यूक्लियर डील मिली थी, हम खामोश रहे और वो इंडिया के हक में फैसला हो गया, हमारे माइटी भी देखते रहे कि पाकिस्तान इख्तिलाफ करेगा तो हम भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से रजू करना चाहिए, वो इस मामले पर जो है अपनी आवाज को उठाए। पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान मातम मना ही रहे हैं। आज मातम दिन है, आज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मातम का दिन नहीं है, आज भारत के मुसलमानों के लिए भी मातम का दिन है। इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए सियासी जमातों का मिजाज क्या है, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, बार बार पे कहते हैं हम पाकिस्तान तोड़ देंगे और हमें पाकिस्तान नहीं बचेगा और पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। ये सारे जलील और कमीने नापाक सियासतदान जिन पर करप्शन के, गद्दारी के, खयानत के मुकदमात हैं, जो दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों सबको पता होगा आज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के सपोर्ट में बयान दिया है और पाकिस्तान में रोना धोना दोस्तों ये चल रहा है। पाकिस्तान मीडिया में लोगों को ये लग रहा था सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उलट फैसला देगा, मतलब जो डिसीजन मोदी सरकार 2019 में लिया था उसको आज सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हंसी की बात ये है पाकिस्तान मीडिया में ये धमकी दिया जा रहा है, अब वो यूनाइटेड नेशन जाएंगे और इस मामले को वहां पर उठाएंगे, मतलब जो खुद IMF के सामने मतलब गिड़गिड़ाकर $1 बिलियन का भीख मांग रहे हैं, उनको लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन अब तैयार बैठा होगा कि अब पाकिस्तान आएगा और अब हम कश्मीर पर पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई फैसला देंगे। इससे हंसी की बात या फिर मजाक की बात तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में पॉसिबल है। अब आप पाकिस्तान मीडिया में जो भी डिस्कशन चल रहा है इस बात को लेकर आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब लश्करे तैबा का काम नहीं हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यासिन मलिक जैसा कोई पाकिस्तान का, पाकिस्तान के वजीर आजम का दलाल नहीं बन पाएगा। पिता के सामने
बेटी का और पत्नी का बलात्कार होता था पिता को बैठा करके। लश्करे तैयबा और यासीन मलिक के हाथ खून से रंगे हुए थे। अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली ने जिस हिसाब से आतंकवादियों का समर्थन किया था और कश्मीर को खून की नदी बनाने में जो उनका सहयोग था, वो तो 370 उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। 1954 से लेकर के जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया, उसके बाद 1989 और 1990 में बेनजीर भुट्टो के कहने पर यासीन मलिक और लश्करे तैयबा जो पाकिस्तान का जिहादी जो टीम है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो हालात जम्मू कश्मीर के किए थे तो उसमें तो 370 का कोई वैल्यू नजर ही नहीं आया था, किसी तरीके का कोई वैल्यू नजर ही नहीं आया था। बच्चों के हाथ में पत्थर, युवाओं के हाथ में चापड़, गोली, बम, बारूद और जो अधेड़ उम्र के मुसलमान मर्द थे उनके हाथ में और उनके उनके बिस्तर पर कश्मीरी पंडित की बेटियों को बेआबरू और बेइज्जत और अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार किया जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि कोई खास इम्पैक्ट होगा, इसलिए कि पहले भी बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का फैसला आ सकता है और इससे हमारी साइड पे तो कुछ नहीं होगा। यही है कि खैर रिश्तेदारियां तो और भी बहुत लोगों की हैं, हमारी भी इंडिया में बहुत से लोगों से रिश्तेदारियां हैं और वो रिलेटिव्स वहां रहते हैं, इसलिए कि जाहिर है जब वहां से लोग यहाँ आए थे तो सबको तो नहीं ले आए थे। लेकिन बात सारी यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान को इसके ऊपर इस इशू को सॉल्व करना है तो अब बात आगे निकल गई है, अब बात उस तरह से नहीं होगी कि जो पहले जंग हुआ करती थी या लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एयर स्ट्राइक हो रही है, ये सारे जो नौटंकियां होती थी अब नहीं हो पाएंगी। अब पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके और अपनी साइड के कश्मीर में खास तौर पे काम करके दिखाना पड़ेगा ताकि जो लोग वहां रहते हैं वो इस बात को महसूस करें कि उनका ख्याल किया जा रहा है, उनको उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। वहां पे बहुत प्रोटेस्ट चलते रहते हैं जिसको हमारा मीडिया कवर नहीं करता और हमें तो खैर पता लगता रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर तो बगैर जंग के ही भारत जीत जाएगा, क्योंकि जैसे बाकी सारी कंट्रीज देख ही रहे हैं आप लोग के वो जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार बेनजीर भुट्टो की जुबान बोल रहे थे, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार लश्करे तैयबा की जुबान बोल रहे थे। बच्चों का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था, युवाओं का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाई कश्मीर की मस्जिदों से बेनजीर भुट्टो 1989 और 1990 में ऐलान करवाती थी और यासीन मलिक पपेट की तरह, दलाल की तरह बेनजीर भुट्टो की बात पर ये ऐलान हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में करता था कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो अपना घर द्वार छोड़ करके भागे, नहीं तो जान से भी जाएंगे। करोड़ों की भीड़ में जो कश्मीरी पंडित और वाल्मीकि परिवार के लोग जो कश्मीर को छोड़ करके अपनी जान बचा करके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को छोड़ करके जो भागे थे और जो इधर उधर हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में जो बसे थे उनको न्याय मिला है। जो मुसलमान इस वक्त पिस रहा है, मार खा रहा है, उसके हवाले से मुसलमानों को उठना चाहिए। कहते हैं ना हम आजाद हैं, मेरी नजरों में आजाद नहीं है। वो पूछो कैसे ऐसे, ये जो हमारे हुक्मरान है हर मर्दी उनकी चल रही है, खाने में उनमें चल रही है, पीने में उनकी चल रही है, सफर में उनमें चल रही है, जहाँ पे मर्दी वो रोक लेते हैं। देखिए जैसे अर्जुन जी ने कहा था, हालांकि मैं तो मेरा स्टैंड तो बिल्कुल पिछले 4-5 साल में यही है, भारत को पीओके या फिर बाकी पाकिस्तान का हिस्सा हमारे साथ मिलाने के लिए कोई जंग करने की जरूरत है नहीं। अब हमें हमारा इकोनॉमी को फोकस करना है और थोड़ा बहुत नजर रखना है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी ज्यादा ऊपर ना जाए, जिस हिसाब से वो डाउनवर्ड जा रहे हैं अपने कर्म के कारण वो और ही डाउनवर्ड जाए, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत सारे देश है, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और भी बहुत सारे कंट्री है जिसका नाम लूँ तो बहुत सारे लोग बिलीव भी नहीं करेंगे। नाम ले लेता हूँ इजराइल, बहुत सारे लोग बोलेंगे इजराइल कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो एक अलग इशू है, वो कभी बाद में डिस्कशन करेंगे, आज तो वो वाला इशू है नहीं। जो एनमी हमें सामने से दिख रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो अब हमें हमारा फोकस वही होना चाहिए। पाकिस्तान आगे आने वाले 7-8 साल में उसका इकोनॉमी इतना बर्बाद होगा कि वो तो टूटने से उनको कोई बचा नहीं पाएंगे, ये सारे देश कितने दिन तक इसको बचाएंगे। तो फिर पीओके क्या, पंजाब, सिंध, जो भी हिस्सा हमें जरूरत आगे आने वाले टाइम में होगा वो हमें हमारे देश में शामिल कर लेंगे।
लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो में जो दो पॉइंट पर मैंने डिस्कशन किया था, अब फिर से मैं उसे दोहराना चाहूंगा। पहला पॉइंट है कि जितना रोहिंग्या है, चाहे वो इशू आप जम्मू कश्मीर में कर रहे हो ना भी कर रहे हो, उन सबको निकालकर जम्मू कश्मीर के भारत से फेंकना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला है नहीं। ये लोग भारत को दिन भर गाली देंगे कि नहीं भारत इस्लाम विरोध है, मुस्लिमों को भारत में सताया जा रहा है, लेकिन जब कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप भारत में आकर ही उनको मरना है। भारत ही क्या, आप दुनिया भर में देख लो जितने भी इस्लामिक कंट्री है, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होता है वो दूसरे इस्लामिक कंट्री में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं या तो यूरोप या फिर नॉन इस्लामिक कंट्री जाते हैं और वहां पर जाकर बर्बादी करते हैं। वही हाल भारत का है। तो इनको अगर इतना प्रॉब्लम है, इनको भारत से क्या, जम्मू कश्मीर कोई भी मतलब प्लेस में अगर रोहिंग्या या फिर इलीगल बांग्लादेशी है, उनको सबको निकालना चाहिए। और दूसरा, कश्मीर पंडित कितने मतलब जल्द, बहुत कितने जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर जाकर कश्मीर में हम उन्हें सेटल कर पाए, वो नीति सरकार लाए, 9-10 साल हो गया है, अब हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं कि नहीं मामला और थोड़ा सुधार होगा या फिर हम कोशिश कर रहे हैं, ये सारे बातों पर कोई बिलीव नहीं करेगा। इस मामले पर ये सरकार एक तरीके से आप कह सकते हो पीछे जा रहा है और इसे सुधारना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो अपने ही देश में अगर लोग शरणार्थी बनकर 20-30 साल से रह रहे हैं, ये हमारे मुंह पर एक तमाचा जैसा है, चाहे हम कितने भी बहाना कर ले, इस हकीकत से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान का जो ये रोना धोना, ठीक है, ये सब कुछ चलता रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि जो 370 जो कलम जो अभी हटी है, वो मोदी जी का ड्रीम था। मोदी जी जब गुजरात में थे उस समय से ये बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है। जब आप लोगों की घटियापंथी जो थी ना, हर बार बॉर्डर के में घुस जाने का और दिल्ली वहां पे दंगे फसाद करना, और वहां पाकिस्तान में बैठे बैठे यहाँ सब भैया से एक्टिविटी करवा हाँ, देते थे, बैठे बैठे नहीं घुस के, और यहाँ पे आके ब्रेन वॉश करते, यहाँ के मतलब कश्मीर में आके ब्रेन वॉश करते थे। वहां पे जो हमारे कश्मीर पंडित थे उसको वहां से निकाला जा रहा था, पूरा ये समझ लिया था कि कश्मीर पाकिस्तान है, ठीक है मतलब। और ये जो 370 कलम है ना भाई, पाकिस्तानियों आपका मुंह है ना बंद रखो, वो उससे आपका क्या लेना देना है भाई। ये भारत का मामला है, वो भारत उसके हिसाब से करेगा। आपसे बोलने के, आपको यूएनएससी में जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी ऑलरेडी मोदी जी क्लियर एंड कट दुनिया को बोल चुके हैं कि ये जो है हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात पाकिस्तानियों आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। आपको एक काम करना चाहिए, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कॉलेज में जाए, पढ़ लो। और जो लाल टोपी है ना उसको तो मैं खास कहूंगा, पढ़ लिया कर भाई। आप बोल रहे हो कि भाई टुकड़े करने चाहते हैं जिसका, वो होगा आपके देश का, वो पक्का है। जैसे आपका जो बलूचिस्तान वाला मामला जब से पाकिस्तान बना है तब से चलता आ रहा है, ठीक है, वो तो आप सॉल्यूशन नहीं ला पा रहे हो, और बाकी के मुद्दे में घुसने की आपको बहुत ही जरूरत होती है। और कभी भी बस कश्मीर को कभी पाकिस्तान का अंग कभी बनाया हो और भारत ने छीन लिया, ऐसा हुआ है? पहले ही भारत का था और अभी भारत का ही है और रहेगा। पीओ के आपने छीना था, वो भी भारत का, इसलिए भारत मांग रहा है अभी। पीओ के तो देखो, पीओ के तो वो तो उसके पास गया, वो तो थोड़ी बहुत सरकार की भी गलतियां थी। मतलब इन लोगों ने लूट के मतलब वहां पर वो तो रातों रात युद्ध विराम घोषित कर दिया, इसलिए थोड़ा बहुत इच्छा वहां पे चला गया, अदरवाइज उतना नहीं जाता क्योंकि हमारी जो फौज थी उस पे हावी थी। बाकी पूरा कश्मीर भारत का। अरे इसको सब कुछ चाहिए पाकिस्तानियों को, जैसे अफगानिस्तान चाहिए था क्योंकि वहां पे टीटीपी को घुसेड़ा उन लोगों ने। जूनागढ़ की बातें चल रही थी जब इमरान खान की सरकार थी, तब क्या बोल रहे थे लोग जूनागढ़। तो पाकिस्तानियों को तो सब कुछ चाहिए, पर वो मैं यही बोला, जो चीज आप चाहते हो वो तो मिलने वाली नहीं, लेकिन आपके पास जो है वो भी रहने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।